मित्रों दोस्तों एंड फ्रेंड्स आज मंगलवार 14 अगस्त 2018 की शाम डायलॉग विद प्रोफेसर निर्मल गुप्ता में आप सभी का दिल से सादर अभिवादन खुश आमदीद एंड वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह डायलॉग शुरू करने से पहले एक बेहद ख़ास बात आपसे कह दूं कि हमारी इस चर्चा का एक भी शब्द किसी पार्टी विशेष या विचारधारा से कोई सरोकार नहीं रखता है हमारी चर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र संविधान को संविधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से भारत के नागरिकों में पवित्र संविधान के बारे में जागरूकता पैदा करके उसमें लिखित मूल प्रस्तावों को एक बार फिर से हर नागरिक और गणराज्य के हित में पुनर्स्थापित करने और आज के सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का एक सच्चा और निश्छल प्रयास भर है इससे पहले के सभी तेईस डायलॉग्स अब YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं जिन साथियों ने वे डायलॉग ना सुने हों वे YouTube के सर्च बॉक्स में डायलॉग विद प्रॉफ निर्मल गुप्ता लिखेंगे तो उसे बहुत ही आसानी से पाकर अपनी सुविधा अनुसार सुन सकते हैं निष्पक्ष उपयोगी और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को भी सुनने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं ख़ासतौर पे युवा साथियों और नए वोटर्स के बीच एक बैलेंस्ड नज़रिया बनाने में मदद के लिए आइए अब आज के डायलॉग को आगे बढ़ाते हैं पिछले शुक्रवार 10 अगस्त को हमने बात की थी समानता के अधिकार के पार्ट वन में मानव अधिकारों के विषय की भूमिका बनाई थी प्राचीन भारत में उसके इतिहास की चर्चा की थी आज इस चर्चा के पार्ट टू में हम बात करेंगे अधिक प्रचारित मध्ययुग के यूरोपियन इतिहास को और चर्चा को लाएंगे भारत गणराज्य के बनने तक हालांकि पूर्ण सत्य नहीं है मगर कह सकते हैं कि मध्ययुगीन यूरोप में पहली बार मानव अधिकारों की लिखित घोषणा हुई भारत के वैदिक काल में लिखित वेद ऋचाओं के माध्यम से और फिर सम्राट अशोक के शिलालेखों में हमने तेईसवें एपिसोड में जाना था कि पूर्ण सत्य क्या है और क्या नहीं मगर इंग्लिश डोमिनेटेड पाश्चात्य जानकारी को ही हम आज की विषय वस्तु बनाकर बात करेंगे हम इतिहास में क्या थे कितने महान थे इस बात से हमें गौरवान्वित होने का पूरा अधिकार है मगर आज के पाश्चात्य इतिहास पर कार्टा छाया हुआ है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज की बात कर रहे हैं मैगना कार्टा यानी कि ग्रेट चार्टर इंग्लैंड के राजा जॉन के भीषण अत्याचारों से परेशान होकर उसके 27 बैरन्स या कहिए कि सिपाह सालारों के बीच बहुत कम समय तक जीवित रहने वाला चार्टर था जिसके द्वारा किंग जॉन द फर्स्ट ने अपने खिलाफ होती म्यूटनी को यह जतला कर मुलतवी कर दिया था कि उसमें लिखे कानून से देश का राजा यानी कि वह खुद भी एक आम नागरिक के समान ही कानून के दायरे में होगा मगर फिर कुछ समय बाद पोप के पास अपनी गुहार लेकर पहुंच गया और उसने कहा कि इस के सारे क्लॉज तो उसको मरवा ही देंगे और यह कहकर उसने पोप के इंटरवेंशन से उसके तिरसठ क्लॉजेस में से अधिकतर को रद्द करवा दिया मैग्ना कार्टा आज भी मॉडर्न ब्रिटेन के संविधान का फंडामेंटल बेसिस बना हुआ है क्योंकि उसके लगभग 99 परसेंट बदल जाने के बाद भी उसने लोकतंत्र से चलने वाले देशों की सर्वोच्च सत्ता की ऑटोक्रेसी को सदा के लिए दफन कर दिया है आज ओरिजिनल मैग्ना कार्टा के सिर्फ तीन ओरिजिनल क्लॉज और चार ओरिजिनल कॉपीज ही बची हैं जिनमें से एक एक है लिंकन एंड सेल्सबरी कैथीड्रल में और दो हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में यदि क्लॉजेस की बात करें तो जो तीन क्लॉजेस की मैंने चर्चा ऊपर की उनमें से पहली क्लॉज है चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्वतंत्रता और सत्ता का अधिकार दूसरा है सिटी ऑफ लंडन और दूसरे शहरों को उनके अपने रीति रिवाजों के साथ जीने का अधिकार और तीसरा और सबसे अधिक प्रसिद्ध है क्लॉज थर्टी नाइन वह कहता है नो फ्री मैन शेल बी सीज्ड और इम्प्रजेंट और स्ट्रिक्ट ऑफ इज राइट्स और पोजेशंस और आउटलॉर्ड और एग्जाइल्ड or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals, or by the law of the land, to no one will we sell, to no one deny or delay right or justice. Atad briefly the Kahe To Yahi Kihar ka right to justice and fair trial एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन एंड इसका सार है ये बात और है कि हमारे देश में यह कानून सिर्फ लाइब्रेरीज की किताबों पर ही मजे करता है रूल ऑफ लॉ और के नाम से एक कानून बना जिसे कार्टा के ओरिजिनल क्लॉज 39 से ही लाया गया था अक्सर यह क्लॉज का वास्तविक स्वरूप हमारे जनतंत्र की सड़कों पर दम तोड़ते दिख जाता है इसी क्लॉज पर लिखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स 1791, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन नाइनटीन फिफ्टी और भी बहुत देशों के संविधानों को उसने अपना बेसिस बनाया और इन्हीं तीन क्लॉजेस के बदले हुए स्वरूप ने तमाम बुराइयों के बाद दुनिया भर के नागरिकों को उनके फंडामेंटल राइट्स उनके अपने देशों के संविधान में जीवित रखा है यही मैग्ना कार्टा एक अद्भुत सिंबॉलिक शक्तियों के साथ आज भी ब्रिटिश और अमेरिकन संविधानों की रीढ़ की हड्डी है जिसे भारतीय संविधान को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफी कुछ हमारे संविधान में ग्रहण किया है तो बात कर रहे थे अंग्रेजों की 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर थॉमस रो के साथ अंग्रेज भारत आए उस समय भारतवर्ष पर मुगल शहंशाह जहांगीर का शासन था भारत मजबूत था और समृद्ध भी मगर 1738 में ईरान के नादिर शाह के हमले तक और औरंगजेब के अत्याचारी शासन के कारण जनता जो परेशान हो चुकी थी और दोगले महत्वाकांक्षी छुटभियों राजाओं और दरबारियों के कारण देश कमजोर हो चला था इसी समय अंग्रेजों ने अपनी जग प्रसिद्ध चपल चालाकी के साथ सम्राट टीपू सुल्तान मराठों और हैदराबाद की रियासतों पर कब्जा कर लिया और अपना शासन और लूट का व्यापार चलाने के लिए बॉम्बे मेट्रास और कैलकाटा में महत्वपूर्ण नेवल पोर्ट्स का निर्माण करवाया इसी समय ब्रिटेन में 1750 की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी तो लगभग 110 सालों तक यानी कि अठारह की क्रांति तक अंग्रेज इस देश के नागरिकों पर हर एक नागरिक कानून का उल्लंघन करते हुए भारत को ग़ुलाम समझकर कर निरंकुश शासन करते रहे यह इस बात से स्पष्ट है कि अपने देश में वे इंग्लैंड बिल ऑफ राइट 1689 का पालन करते थे और करवाते थे मगर हमारे देश में यह सुविधा अपने साम्राज्य का भाग बनाने के बाद भी नहीं की थी खैर 1857 के प्रथम संग, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने सुधार की कुछ नीतियाँ अपनाना शुरू की जिनका जिक्र मैं काफ़ी विस्तार से पंचायती राज की चर्चा के दौरान डायलॉग 14 और 15 में ऑलरेडी कर चुका हूँ आप सभी फुर्सत में उन्हें YouTube पर जाकर सुन सकते हैं मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक से अंग्रेज फिर से भारतीय नागरिकों पर अत्याचार की आंधी ले आए इसका पहला प्रमाण था 1919 का एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट जिसे द इनफेमस रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है इस एक्ट के तहत अंग्रेजों को उनकी दमनकारी पुलिस व्यवस्था को असीम शक्तियां मिलने वाली थी जैसे इनडेफिनेट अरेस्ट और डिटेंशन वारंट के बिना घरों की तलाशी और जब्ती नागरिक सभाओं पर रोक और इंटेंसिव सेंसरशिप ऑफ मीडिया एंड पब्लिकेशन ये सभी ऐतिहासिक तथ्य हैं इन्हें सुनकर विचार कर सकते हैं भारत की वर्तमान परिस्थिति को अपने सामने रखकर ये और बात है कि इन्हीं दर्मनकारी एक्ट्स के कारण 1919 का भीषण जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें 1650 गोलियां गोलियाँ दागी गईं और उन 1650 गोलियों से डेढ़ हजार जख्मी हुए और एक हजार मारे गए यानी सिर्फ डेढ़ सौ गोलियाँ व्यर्थ गईं इसके बाद नागरिक अधिकारों की मांग जो ब्रिटिश साम्राज्य में आयरलैंड को दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन को दिए गए थे 1928 में नेहरू कमीशन के नाम से एक गठित कमेटी ने अंग्रेजों से की इन संविधानिक सुधारों की मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जब रखा गया तब तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया इसी प्रपोजल में डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया वयस्क मताधिकार और रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन की मांग को भी किया गया था मगर अंग्रेज सरकार की शक्तियों को कम करने का यह प्रयास असफल रहा जब यह मांग ठुकरा दी गई तब 17 नवंबर 1929 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पर मारी गई लाठी से मृत्यु हो गई और 19 दिसंबर 29 को लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज की मांग बुलंद की गई तब तक अंग्रेज शासन इस देश में काफ़ी कमजोर हो चुका था एक साल बाद 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी गई अब वह समय आ चला था जब आज़ादी के मतवाले अपने आप को काफ़ी ताकतवर महसूस करने लगे थे और तब छब्बीस जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर में ही देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी इसका मेमोरियल आज भी पाकिस्तान के लाहौर शहर में भारत की बॉर्डर से कुछ ही दूर शान से खड़ा है 1936 के आते आते कांग्रेस ने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया था यहाँ यह बताना उचित होगा कि उन्होंने अपने बनाए संविधान में सोवियत यूनियन से प्रभावित होकर हमारे संविधान में समाजवाद और नागरिकों की देश के प्रति फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए मीन्स ऑफ कलेक्टिव पैट्रियाटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस का क्लॉज रखा था मगर देश के संविधान में यह इंक्लूड हुआ गणतंत्र बनने के 26 साल बाद थ्रू फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट वापस जाते हैं 1939, थर्टी नाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था जो कि 1945 तक चला इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भारत में अंग्रेजी शासन की कमर को तोड़ कर रख दिया और इस समय तक लगने लगा था आज़ादी अब बहुत नजदीक आ चुकी है तो सबसे पहले कांग्रेस ने संविधान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई उसके प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया गया और वे थे डॉक्टर सचिदानंद मगर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इस ड्राफ्टिंग कमेटी में अनसंग हीरो भी थे जिनकी चर्चा के लिए एक पूरा एपिसोड हम आने वाले समय में करेंगे और जानेंगे कि वे हीरो कौन थे जिन्होंने हमारे भारत के संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था जब भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठकें चल रही थी उसी दौरान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने टेंथ दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया और अपने सभी सदस्य देशों से उसे अपनाने की अपील की इसके फलस्वरूप हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार फोरफ्रंट पर आ गए जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रखे गए उनमें इंक्लूड किया गया और बिना किसी परिवर्तन के उन्हें स्वीकार भी किया गया आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला ड्राफ्ट फेब्रवरी 1948, दूसरा 17 अक्टूबर 1948 और फाइनल और थर्ड ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा के सामने रखा गया था इस ड्राफ्ट को सभी 292 मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर्स के द्वारा अप्रूव करके 26 जनवरी 1950 को आज़ादी की लाहौर घोषणा के ठीक तीस साल बाद अपने आप को यानी हमने अपने आप को दिया था और उसी दिन से भारत गणराज्य के नागरिक बन गए ये चर्चा काफी लंबी हो गई मगर आपको सभी को यहीं तक लाने का वादा था यहाँ अपनी चर्चा को विराम देने से पहले कह दूं कि मंगलवार शुक्रवार की शाम को इसी तरह अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे डायलॉग विद प्रोफे निर्मल गुप्ता में अपने इस फायदे के साथ की चर्चा के पार्ट थ्री में हम हमारे पवित्र संविधानों में नागरिक को दिए गए समानता के अधिकार आज के परिदृश्य में संसदीय प्रजातंत्र की दिशा और दिशा को मद्देनजर रखते हुए मगर बिना किसी पार्टी और विचारधारा से प्रभावित हुए बिना मैं दिल की गहराइयों से ये उम्मीद और विश्वास एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार और साथियों के साथ विचार करेंगे अपना स्वतंत्र निर्णय बनाएंगे और भारत के पवित्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और राष्ट्रभूमि में जनतंत्र की स्थापना और प्रसार के महान प्रयास में अपना योगदान करने की बात सोचेंगे शुक्रिया कहते हुए आप सभी सुनने वालों से विदा लेता हूँ शुभरात्रि शुभ खैर एंड गुड नाइट जय हिंद